अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, आदाब। मेरा नाम दुर्गा, आप लोगों का मेरे YouTube चैनल किटी कुड़ी में स्वागत। तो आज की रिएक्शन वीडियो होने वाली है हजरत ओसामा बिन का, ये थर्ड पार्ट है। तो देखते हैं इसमें क्या बताते हैं। तो चल वीडियो स्टार्ट करते हैं, लेकिन उससे पहले आप लोग मेरे चैनल पे न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब, लाइक, शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना, इससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो चले वीडियो स्टार्ट करते हैं। आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु झिझकती तो वो ओसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के सुपुर्द की जाती। हज़रत आयशा फरमाती हैं कि बनी मखज़ूम की एक औरत ने चोरी की। लोगों ने कहा, इसके बारे में कौन शख्स हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से सिफारिश पर आमादा होता है? ओसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अलावा किसी की हिम्मत ना पड़ी। उन्होंने जाकर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से गुफ्तगू की, लेकिन हदूदुल्लाह का मामला था, इसलिए हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ना सुनी, बल्कि आपको नागवार हुआ और फरमाया, अगर बनी इसराइल में कोई शरीफ आदमी चोरी करता था तो उसको छोड़ देते थे, और अगर मामूली आदमी उसका मुर्तकिब होता था तो उसके हाथ काटते थे। खुदा की कसम, अगर मोहम्मद की बेटी फातिमा भी होती तो मैं उसका भी हाथ काटता। दोस्तों, ये बात रोज़े रोशन की तरह आया है कि ओसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के महरम राज और मोतमद अलह थे, और उनकी हैसियत अहले बैत में मेम्बर ख़ानदान की थी। आप अहम से अहम और नाजुक से नाजुक खानगी अमूर तक में उनसे मशवरा लेते थे, और फ़क़्त जैसे नाजुक और अहम मामले में जिसमें मुनाफिकीन ने नामूस नबूवत पर हरफ लाना चाहा था और जिसकी सफाई खुद ज़ुबान वही ने दी, ओसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु भी हज़रत अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के साथ शरीक मशवरा थे। चुनाचे हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा फरमाती हैं कि जब उफ़क़ वालों ने तोहमत लगाई तो हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अली रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और उसामा बिन जैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से अपनी अहले खाना की अलहदगी के बारे में मशवरा किया और उनसे हालात दरियाफ्त किए। दोस्तों, चूँकि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ओसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को महबूब रखते थे, इसलिए सहाबा कराम भी उनको बहुत मानते थे। उमर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु का वाक़िया हम आपको पहले सुना चुके हैं। सहाबा कराम ना सिर्फ ओसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु बल्कि उनकी औलाद तक का एहतराम करते थे। एक दिन इब्ने उमर ने एक शख्स को मस्जिद के गोशे में देखा। लोगों से कहा, देखो कौन शख्स है? किसी ने कहा, अबू अब्दुर्रहमान, तुम उसको नहीं पहचानते? ये ओसामा के बेटे मोहम्मद हैं। आपने यह सुनकर सर झुका लिया और ज़मीन को रेत कर कहने लगे कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इनको देखते तो महबूब रखते। दोस्तों, आपको बताते चलें कि इस गैर मामूली मोहब्बत की वजह से कुदरतन कुछ मुनाफिक ओसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के हासिद भी पैदा हो गए थे। ये लोग ओसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जलील और हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के कबीदा खातिर करने के लिए कहते कि ओसामा हज़रत ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के नुतफ़े से नहीं है। हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को इससे तकलीफ़ पहुँचती, लेकिन उनके खामोश करने का कोई तरीका ना था। अरबों में क़याफ़ा शनासी का मलका बहुत था। काइफ की बात आम तौर पर हम पाया वही समझी जाती थी। इत्तफाक़ से एक दिन मोजर्स, जिसको क़याफ़ा शनासी में ख़ास महारत थी, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुआ। उस वक्त ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु और ओसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु दोनों सर से पैर तक एक चादर ओढ़े हुए लेटे थे, सिर्फ पाँव खुले हुए थे। उसने ये देख कर कहा कि ये कदम एक दूसरे से पैदा हैं। ये सुनकर हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को बहुत मुसर्रत हुई। आप हज़रत आयशा रज़ियल्लाहु ताला अन्हा के पास हंसते हुए तशरीफ़ लाए और फरमाया, तुमको कुछ मालूम है? मुजर्रज़ ने भी ओसामा के पांव देखकर कहा कि ये कदम एक दूसरे से पैदा हैं। दोस्तों, इस वाक़े में ये बात लिहाज रखने के काबिल है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को काइफ के कहने पर महज इस वजह से मुसर्रत हुई कि इससे दुश्मनों की ज़ुबान बंद हो गई, वरना शान नबूवत इससे बहुत बुलंद है कि वो काहिनों, मजनों और काइफों की बात का यकीन करे। दोस्तों, रिवायात बताती हैं कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास जो चीज़ अच्छी और बेशकीमत होती उसको ओसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को देते। सी यज़न ने हालत शिर्क में हकीम बिन हराम के ज़रिए से आपकी खिदमत में हदियतन एक बेशकीमत हल्ला पेश किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुशरिक का हदिया नहीं कबूल करता, लेकिन अब चूँकि तुम ला चुके हो इसलिए कीमतन ले लूँगा। चुनाचे 50 दिनार में ख़रीद लिया और एक मर्तबा पहनकर ओसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को दे दिया। इसी तरह एक रिवायत है कि दहिया कल्बी रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने कतान का एक कपड़ा हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को हदिया दिया था,
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु को पहना दिया, उन्होंने अपनी बीवी को दे दिया। एक दिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने पूछा, कतान क्यों नहीं पहनते? अर्ज़ किया, या रसूलल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, बीवी को दे दिया। फरमाया, अच्छा, उसे कह दो के नीचे सीना बंद पहन ले, वरना बदन दिखाई देगा। अर्ज़ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, अपने अहलो अयाल और उसामा रजी अल्लाह तआला अन्हु में कोई तफरीक नहीं करते थे। दोस्तों, बाज़ लोगों का कहना है कि हज़रत उसामा रज़ी अल्लाह तआला अन्हु ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामने तरबियत में परवरिश पाई थी, इसलिए आपको सरापा इल्म होना चाहिए था। लेकिन ये बात याद रखने की है कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के विसाल के वक्त आपकी उम्र सिर्फ 18 साल या ज़्यादा से ज़्यादा 20 साल की थी। इसलिए सने शऊर को पहुँचने के बाद सोहबत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से फैज़याब होने का ज़्यादा मौका ना मिला। ताहम इस मुद्दत में जो कुछ भी आपने हासिल कर लिया उसको कम नहीं कहा जा सकता। अकवाल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का काफ़ी ज़खीरा उनके सीने में महफूज था। बाज़ मरतबा के बार सहाबा को जिस चीज़ का इल्म ना होता उसमें वो उनकी तरफ रुजू करते। हज़रत साद बिन अबी वक़ास रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को जब ताउन के मुतल्लिक कोई हुक्म ना मिला तो आपने उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु से दरियाफ्त किया कि तुमने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से ताउन के बारे में क्या सुना है? उन्होंने बताया कि हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं कि ताउन एक किस्म का अजाब है जो बनी इसराइल के एक ख़ास तबके पर भेजा गया था, इसलिए जब तुम सुनो कि फ़लां जगह ताउन फैला है तो वहाँ ना जाओ और ख़ुद तुम्हारे यहाँ ये वबा फैलने वाले से भागने की नीयत से ना निकलो। दोस्तों, ये उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की शान थी कि आपके अमल से दूसरे लोग सनद लाते थे। हज़रत मैमूना रज़ियल्लाहु ताला अन्हा ने अपने एक अज़ीज़ का आज़ार बहुत नीचा देखा तो उसकी मलामत की। उन्होंने कहा, मैंने उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु को नीचा आज़ार पहने देखा है। मैमूना ने कहा, तुम झूठ कहते हो, ये मुमकिन है कि उनका पेट भारी था इसलिए उस पर ना ठहरता हो और नीचे खिसक जाता हो। आपको बताते चलें कि उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु की ज़ात से हदीस का अच्छा खासा हिस्सा अशात पज़ीर हुआ। उनकी मरवियात की तादाद 128 है, जिनमें से 15 मुत्तफिक अलैह, इनके अलावा मजीद दो बुखारी और मुस्लिम में हैं। दोस्तों, चूँकि उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के दामन तरबियत में परवरिश पाई थी, इसलिए उन पर कुदरती तौर पर तालीमात नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का खासा असर पड़ा था, जो आपकी आदात व अखलाक में दिखाई भी देता था। रिवायात के मुताबिक उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु काशान नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम में कसरत से आते जाते थे और अक्सर सफ़र में भी हम रकाबी का शर्फ हासिल हुआ था, इसलिए खिदमत नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का ज़्यादा मौका मिलता था। अक्सर वज़ू वगैरह के वक्त पानी डालने की खिदमत अंजाम देते थे। रिवायात बताती हैं कि उसामा बिन ज़ैद रज़ियल्लाहु ताला अन्हु सुन्नत की पाबंदी शिद्दत से करते थे। आखिर उम्र में जबकि काफ़ी कमज़ोर हो चुके थे, उस वक्त भी मसनून रोज़े इल्तज़ाम के साथ रखते थे। एक मरतबा ग़ुलाम ने कहा, अब आपकी उम्र ज़ोफ़ो नातवानी की है, आप क्यों दोशंबे और पंचशंबे के रोज़े का अहतमाम करते हैं? कहा, हज़रत सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इन दोनों में रोज़ा रखा करते थे। दोस्तों, ये हाल है इत्तबाए रसूल का और इत्तबाए सुन्नत का कि जो काम नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को करते देखा उसको ज़िंदगी भर ना छोड़ा। रिवायात बताती हैं कि हज़रत उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु वालदैन की खुशनुदी का बहुत ज़्यादा ख्याल रखते थे और इसमें बड़ी से बड़ी माली कुर्बानी से भी दरेग नहीं करते थे। जैसा कि मोहम्मद बिन सीरीन रिवायत करते हैं कि हज़रत उस्मान रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के अहद खिलाफत में खजूर के दरख्तों की कीमत 1000 तक पहुँच गई थी। उस ज़माने में उसामा रज़ियल्लाहु ताला अन्हु ने एक दरख्त की पेड़ी खोखली करके उसका मगज़ निकाला। लोगों ने पूछा, ये क्या कर रहे हो? आजकल दरख्तों की कीमत इस कदर बढ़ी हुई है और तुम इसको ज़ाय करते हो? कहा, मेरी माँ ने फरमाइश की थी और वो जिस चीज़ की फरमाइश करती हैं अगर उसका हसूल मेरे लिए मुमकिन होता है तो उसको मैं ज़रूर पूरा करता हूँ। दोस्तों, सहाबा की हर हर अदा और हर हर बात ऐसी है कि जो ईमान को ताज़ा कर देती है और दिल करता है कि सहाबा का तज़करा चलता रहे और बंदा सुनता रहे। लेकिन दोस्तों, असल तो ये है कि हम इन हज़रत की तकलीद करें, क्योंकि हमारी कामयाबी इसी में है कि हम अल्लाह और उसके रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की
और सहाबा की इत्तबा करें, इसी में हमारी कामयाबी है। अल्लाह से दुआ है कि अल्लाह ताला हमारा हशर भी रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम और सहाबा के साथ फरमा दे, आमीन। सच में कितने अच्छे तरीके से वीडियो में बताया सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में कि उनको कोई भी चीज़ देते थे, मतलब जो वहाँ के लोग होते थे उनको कोई भी चीज़ देते थे तो वह हजरत उसामा बिन को दे देते थे, तो उन मतलब सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने को एक कपड़ा दिया था तो उन्होंने उसामा बिन को दे दिया था, तो उन्होंने अपनी वाइफ को दे दिया था। तो इसमें बता रखा किस तरीके से मतलब उन कि वहाँ पे किस तरीके से इज्जत होती थी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को, किस तरीके से लोग मानते थे। और इसमें यह भी दिखाया कि सहाबा हजरत सहाबा जो थी वह किस मतलब जो अपनी तकरीर देती थी, अपने बयान देती थी, वो कितने अच्छे तरीके से देती थी, लोगों में कितने अच्छे तरीके से बांटती थी। तो हमें भी उन्हीं के अनुसार उन्हीं के अकॉर्डिंग चलना चाहिए और उन चीज़ को फॉलो करना चाहिए। तो बहुत ही अच्छे तरीके से एक्सप्लेन करके बताया पूरी लाइफ के बारे में, उनके साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ, हजरत उसामा के बारे में बताया, बहुत ही अच्छा लगा। तो आप लोग बताना कि आप लोगों को वीडियो कैसा लगा, आप लोग कमेंट करके ज़रूर बताना। और आप लोग मेरे चैनल पर न्यू है तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब लाइक शेयर करना मत भूलना, बेल आइकन पे क्लिक कर देना जिससे आने वाली सारी वीडियो की नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल सके। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।